हेलो एवरीवन, तो चलिए स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर एक नॉर्मल रेगुलर फ्रैक्चर की तरह नहीं होता, बिकॉज उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज एंटायरली डिफरेंट। जब कभी चोट लगती है तो हमें जो फ्रैक्चर होता है उसे हम नॉर्मल रेगुलर फ्रैक्चर कहते हैं। तो फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? वो एक तरीके की ओवर यूज इंजरी बोन की है। देखिए, जब कभी कोई भी अपनी बोन को रेपिटेटिवली लोड करता है, और वो लोड होना चाहिए मैक्सिमम से हल्का सा कम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसे कॉन्टिन्यूसली लोड दे रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे एक लोड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। दैट कैन रिजल्ट इन डैमेज। अगर वो डैमेज की रिकवरी नहीं हो पाई तो इट कैन लीड्स टू बोन स्ट्रेस इंजरी। अगर हम बोन स्ट्रेस इंजरी पे भी रेपिटेटिव लोडिंग करते रहेंगे तो वो इंजरी एक स्ट्रेस रिएक्शन की तरह प्रेजेंट करेगी। तो पेशेंट हमेशा कहेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर रीजन पे एग्रेवेटिंग एक्टिविटीज़ पे पेन हो रहा है, लेकिन व्हाट इफ हमने उस स्ट्रेस रिएक्शन को भी मैनेज नहीं किया, इट कैन लीड टू स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो दैट इज़ हाउ द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर फ्रैक्चर।